लेफलिक एकेडमिक क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। चलिए आज का जो क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये हाइब्रिडेशन से रिलेटेड है। जो पिछले जो क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे वो भी हाइब्रिडेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में एक्सप्लेन किया था, बट अभी जो 2017 में कोलहान यूनिवर्सिटी चाईबासा ग्रुप सी में जो क्वेश्चन पूछा है, जो ग्रुप सी में जो क्वेश्चन पूछने का जो मोटो है, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछता है ग्रुप सी में 15 मार्क का क्वेश्चन रहता है, टोटल 30 मार्क का रहता है, इनमें से दो को क्वेश्चन का आंसर देना है। तो एक क्वेश्चन का हमें जो मार्क है 15 मार्क है, तो दो क्वेश्चन बनाएंगे तो टोटल 30 मार्क हमें मिलेगा ग्रुप सी में। ज़्यादा नहीं बनाना है इसे, हमें बहुत सा ऑप्शन बहुत सा क्वेश्चन है उनमें से जो भी क्वेश्चन हमें अच्छा लगता है उसी क्वेश्चन को हमें बनाना है। जैसे 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा डिस्कस द हाइब्रिडेशन ऑफ जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, जेनॉन ऑक्सोफ्लोराइड्स, ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड का हाइब्रिडेशन हमें एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है किस तरह से हमें हाइब्रिडेशन निकलना है। तो चलिए आज हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हाइब्रिडेशन निकलते हैं, हाइब्रिडेशन निकालने का शॉर्टकट मेथड एंड लॉन्ग टर्म मेथड के द्वारा हमें हाइब्रिडेशन निकालना है। लेकिन यहाँ पे हमें जो यूज करना है, जो तीन को क्वेश्चन में अगर 15 मार्क दिया है तो हमें लॉन्ग मेथड का ही यूज करेंगे, क्योंकि शॉर्टकट मेथड में अगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो हमें नंबर नहीं मिलेगा। जिस शॉर्टकट मेथड में यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर चुके हैं जिस दिन हम क्वेश्चन पेपर अपलोड किए थे। तो बात होता है कि इतना छोटा मेथड में अगर आप हाइब्रिडेशन निकालते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका 15 नंबर है, 15 नंबर में करीब आपको लॉन्ग मेथड के द्वारा ही हमें हाइब्रिडेशन को दिखाना है और एक एक स्टेप को दिखाना है, ताकि एग्जामिनेशन को ये पता चले कि जो भी बच्चा इसको बनाया है वो कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझ के ही बनाया, ताकि उसको नंबर काटने का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं जो 2017 में कोलहान यूनिवर्सिटी चाईबासा में जो क्वेश्चन पेपर पूछा है उस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि जेनॉन टेट्रा फ्लोराइड, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्या है जेनॉन टेट्रा फ्लोराइड मॉलिक्यूल्स का हमें हाइब्रिडेशन निकालना है। तो हाइब्रिडेशन निकालने का शॉर्टकट मेथड हम एक्सप्लेन किए थे, उसको लास्ट में बताएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म मेथड में कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। चलिए तो जेनॉन हमेशा जो भी एटम होता है, जो भी एलिमेंट होता है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम काउंट करते हैं हाइब्रिडेशन निकालने के लिए। चलिए जेनॉन जो है हम लिख सकते हैं जेनॉन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये नोबल गैस है, नोबल गैस का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 8 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है। और फ्लोरीन का जो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। ये दोनों का केस है, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। तो यहाँ पे जो हमें हाइब्रिडेशन निकालना है, निकालने के लिए हमें दो बात याद रखना है, दो बात हमेशा रिमेम्बर रखना कि जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम नोट देखिए यार रखना नोट
वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको बोल सकते हैं आउटर मोस्ट सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसी को ही हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो लेकिन यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल सम ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 2 से बड़ा और 8 से छोटा अगर रहे तो हमें 2 से डिवाइडेड करना है, 2 से डिवाइडेड करना है, 2 से डिवाइडेड देना है। उसी तरह से अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 8 से ज़्यादा और 56 से कम अगर रहता है तो हमें 8 से भागा देके उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। सेम इसी तरह का और उतना ज़्यादा नहीं बनाना है, लेकिन यहाँ तक याद रखना कि अगर 8 से ज़्यादा और 56 से कम अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है तो हमें 8 से भागा देना है। तो ये चीज़ हमें हमेशा नोट में याद रखना है। तो चलिए स्टडी करते हैं ज़ेनॉन टेट्रा फ्लोराइड कंपाउंड्स। दिस कंपाउंड्स आर शो बाय द हाइब्रिडाइजेशन। तो नाउ लॉन्ग मेथड यूज्ड कैलकुलेशन द हाइब्रिडाइजेशन। लॉन्ग मेथड का यूज करके हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टोटल सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे ज़ेनॉन का 8 प्लस पॉजिटिव, फ्लोरीन का 7 इंटू कितना इन्वायरमेंटल एटोमेटेज हैं 4 डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाद का बाद में करना है, टोटल कैलकुलेशन करते हैं कितना हुआ 8 पॉजिटिव 28 इक्वल टू कितना होगा 36। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हमें टोटल्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया हमें 36 आया। तो 36 को हमें डिवाइडेड करने किससे, यहाँ पे जो हम नोट में लिखा है कि 8 से ज़्यादा और 56 से कम, तो यहाँ पे जो हम यूज़ जो किससे डिवाइडेड करना है, क्योंकि ये जो है टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 36 से ज़्यादा है और 56 से कम है, तो यहाँ पे 8 से भागा देंगे। ठीक है, इस 8 से भागा देंगे तो यहाँ पे जो हमें कैलकुलेशन करेंगे तो जो निकल के आएगा तो उसको देखते हैं। चलिए कितना आया है 36 निकल के आया है। ठीक है, अब 36 निकल के आया है तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है टोटल्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन 36, तो उससे हम जब डिवाइडेड करेंगे 8 से तो 4 8 32, जब उसको निगेटिव करेंगे तो 4 यहाँ से बचा, तो फिर 4 को जब हम डिवाइडेड करेंगे 2 से, क्योंकि ये जो 4 हैं ये 2 से ज़्यादा हैं और 8 से कम है, तो इसलिए इसमें जो यहाँ पर बताए थे कि 2 से, तो यहाँ पे 2 से देंगे तो 2 दुगना 4 यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पे जब बात आया तो आप यहाँ से हम बैलेंस यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से निकलते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पे 4 प्लस 2 दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ से जो निकलेगा ये क्या होता है नंबर ऑफ द
ये जो यहाँ पे होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होता है, जो भी हमें कैलकुलेशन करके निकलेगा 4 + 2, इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ नंबर ऑफ और बाय नंबर ऑफ और बाय टेल्स, इसको बोलेंगे नंबर ऑफ और बाय टेल्स। तो टोटल नंबर ऑफ और बाय टेल्स कितना हुआ, 4 + 2 = 6। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। तो दिस टोटल नंबर ऑफ और बाय टेल्स इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिडेशन, दैट इज 6 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। सो sp3d2 3 4 5 6 टोटल्स हाइब्रिडेशन sp3d2, दिस कंपाउंड आर हाइब्रिडेशन sp3d2। छो तो यहाँ पे 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल एंड d2 ऑर्बिटल्स, दिस ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड p3 px py and pz, एंड dx dy, दिस टू और ऑर्बिटल्स टोटल s 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ 6 ऑर्बिटल प्रेजेंट ऑन दिस मॉलिक्यूल्स। तो दिस इज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड हाइब्रिडेशन sp3d2। तो यहाँ पे इस तरह से हाइब्रिडेशन हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। पहले का जो कैसे, पहले क्या करते हैं, हम उसको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। काउंट करने के बाद जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 2 से ज़्यादा और 8 से कम अगर होता है, तो हमें 2 से डिवाइडेड करते हैं, और 8 से ज़्यादा होगा और 56 से कम होगा, तो 8 से हम भगा दे के डिवाइडेड करके जो भी और कैलकुलेशन है तो उसको ऐड करके हमें हाइब्रिडेशन निकालते हैं। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन हम एक्सप्लेन किए हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन जो पूछा है ABC, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ, यहाँ पे ई नंबर को हम कैलकुलेशन किया है। तो यहाँ पे जो पूछा है कि नंबर का हम लोग कर लिए हैं, और बी नंबर नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे। जेनॉन टेट्राफ्लोराइड जो है, जो इसका हाइब्रिडेशन होगा sp3d2, इसका हाइब्रिडेशन है, जिसे हम शॉर्टकट मेथड में भी यहाँ पे कैलकुलेशन किए थे, लेकिन ये शॉर्टकट मेथड में कैलकुलेशन करने से हमें अच्छा नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए हमें लॉन्ग टाइम मेथड का यूज़ करके ही बनाना है, क्योंकि नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। इससे पहले जो भी अगर ही क्वेश्चन में अगर 1 मार्क का अगर रहे, तो हम शॉर्टकट मेथड का यूज़ करके उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए उसके बाद 2 क्वेश्चन B और C को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी तक इस तरह से कोलान यूनिवर्सिटी या रांची यूनिवर्सिटी चाईबासा, रांची यूनिवर्सिटी, बोथ यूनिवर्सिटी आर प्रिपेयर केमिस्ट्री फ्रॉम दिस सेलन, द क्वेश्चन पेपर अपलोडिंग रेगुलर, बट सम केसेस आई एम नॉट अपलोडिंग रेगुलर वीडियो एंड क्वेश्चन पेपर ड्यू टू द कोरोना वायरस। नाउ आई एम ए पेजेंट फ्रॉम योर होम एंड माई
क्लासरूम अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर फ्रॉम माई होम। चलिए तो इस तरह से वीडियो आप लोग को अगर रेगुलर आप लोगों तक पहुँचाने के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे करके सारा कुछ इसी चैनल अपलोड करते रहेंगे। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे बी और सी का जो हाइब्रिडेशन है किस तरह से कैलकुलेशन करने हैं, और इसका एप्लीकेशन पार्ट पहले वीवीटी बैलेंस बोर्ड थ्योरी का हम एक्सप्लेन किए थे, उसके बाद बैलेंस बोर्ड थ्योरी से रिलेटेड कैसे कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा में क्वेश्चन पूछा था उसको भी हम एक्सप्लेन किए थे। अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा है 2017 में, इसके बाद 2018 का क्वेश्चन पेपर मेरे पास है उसको भी हम अपलोड कर देंगे। तो चलिए जुड़े रहिए इस चैनल में और सारा कुछ अपलोड हम करते रहेंगे। थैंक यू।